हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम 2011 एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है, डिफरेंस ऑफ एंगल्स का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 1/sin π/n दैट इज इक्वल टू 1/sin 2π/n प्लस 1/sin 3π/n। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल्स में ये पाई बाई एन, 2π/n और 3π/n है। तो इनमें से दो एंगल का डिफरेंस, मतलब पाई बाई एन और 3π/n का डिफरेंस देखेंगे तो ये 2π/n आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखिए ये 1/sin π/n और इसको इधर ला लीजिए 1/sin 3π/n और इसको एज इट इज रह दीजिए 1/sin 2π/n, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये है। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, sin 3π/n माइनस sin π/n, जिसमें हम साइन सब फार्मूला लगा सकते हैं। ये हो जाएगा sin π/n इंटू sin 3π/n, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 1/sin 2π/n। अब यहाँ पे आप डिफरेंस फार्मूला लगा सकते हैं, डिफरेंस फार्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई है। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई में क्या आ जाएगा, पहले तो 2 आएगा, फिर कॉस आएगा, एक्स प्लस वाई मतलब 3π/n प्लस π/n और डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये 4π/n डिवाइडेड बाई 2 है, 4π/n डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है कि नहीं, 4π डिवाइडेड बाई 2n, मतलब यहाँ से 2 अगर आप काट देते हैं तो 2π/n होगा, सिंपली 2π/n। तो हम इसको लिख देते हैं 2π/n, ये हो गया 2π/n। अब आते हैं यहाँ पे साइन में, साइन में क्या आ जाएगा, 3π/n माइनस 5π/n डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2π और n इंटू 2, ये कट गया तो ये सिंपली π/n बचेगा। तो ये हो गया साइन ऑफ π/n, करेक्ट, ओके फाइन। और डिनोमीटर में क्या था आपके, डिनोमीटर में ये था sin π/n इंटू sin 3π/n। तो देखिए π/n कैंसिल कर दीजिए, इधर राइट हैंड साइड में क्या है, साइन ऑफ 2π/n, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये आ गया साइन 2π/n इंटू, यहाँ है कॉस 2π/n और ये इधर जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 3π/n। और अब आप यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ऑफ 2 थीटा मतलब 2π/n, मतलब ये हो गया 4π/n इक्वल टू साइन 3π/n। अब देखिए साइन 4π/n इक्वल टू साइन 3π/n, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इसको ऐसे लिख दीजिए साइन ऑफ पाई माइनस 3π/n, साइन ऑफ पाई माइनस 3π/n आप करेंगे, n इज ग्रेटर देन 3 है, n इज ग्रेटर देन 3 है मतलब 3π/n एक एक्यूट एंगल है, तो डेफिनेटली अब ये साइन 4π/n इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस 3π/n, इक्वेट कर लीजिए 4π/n इक्वल टू पाई माइनस 3π/n, ये हो जाएगा 7π/n इक्वल टू पाई, पाई पाई कर लिया, 7π/n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 7, ठीक है, तो फाइनली n इक्वल टू 7 आया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री का सम फार्मूला लगाया लेकिन पहले रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने में ये जरूर ध्यान रखना कि कौन से दो एंगल का डिफरेंस तीसरा एंगल आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको रीअरेंज करना पड़ेगा।